अगर साडा ये चैनल तुसी अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता है तो इस नूं तुरंत स्क्रीन दे दिखाए अनुसार सबसक्राइब कर लो अते घंटी दे निशान नूं भी दबा दिओ ताकि जदों भी असी कोई वीडियो अपलोड करिए तां तुहानूं पता लग सके। नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डेयरी। देश विदेश के दर्शकों का इस विच स्वागत करते हैं ते शुरू करते हैं अज दा प्रोग्राम। पहला चोणवीआं खबरां। पुलिस के प्रशासनिक ढांचे विच सुधार हेठां जी DIG रेंज का अहुदा समाप्त। जेटली ने आख्या हुण ये नहीं चलेगा कि वह पहला टैक्स नहीं दिंदा सी ते हुण भी नहीं देवेगा। पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत बादल ने आख्या पंजाब लई GST राहत की गल। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों से लगेगा परिवारक टैक्स। पंजाब विच वक्वक थाई 5 बच्चों की मौत। धर्म प्रचार लहर की शुरुआत तलवंडी साबो विखे अज तो। पंजाब सरकार वालों बठिंडे के थर्मल प्लांट बंद करने खिलाफ मुलाजमान ने रोस प्रदर्शन किया। हुण खबरों की विस्थार। पंजाब सरकार ने पुलिस विभाग में सुधार करदिया 3 जोन खत्म करके 7 पुलिस रेंजा कायम करने का ऐलान किया। रेंज के इंचार्ज IG पद्धर के अधिकारी होंगे। STF मुखी हरप्रीत सिंह सिद्धू और DGP दोवें बॉर्डर रेंज के इंचार्ज थापे गए ने। हुण सारे जिले में जिथे भी जिला पुलिस मुखी लगनगे जां IG लगनगे उत्थे घट्टो घट्ट 1 साल तक उन्हां दी बदली नहीं की जा सकती। 7 पुलिस रेंज में अमृतसर बठिंडा पटियाला फिरोजपुर जलंधर रोपड़ ते लुधियाना शामिल ने। रेंज की समुचे कामकाज की जिम्मेवारी IG लैणगे। 1 रेंज में 3 तों 4 जिले शामिल किए गए ने। सूबा सरकार ने 4 सीनियर IPS अधिकारियों नूं तरक्की देकर DGP रैंक दिता है। बरनाला तरनतारन रोपड़ हुशियारपुर ते बटाला दे SSP तब्दील कर दिए गए ने। पंजाब डेयरी ने अपने पिछले दौरान अमरीका के दर्शक योधा सिंह वालों मुद्दा उठाने 2 बार यह न्यूज़ प्रसारित की कि दिल्ली एयरपोर्ट तो पंजाब अपने घर आने लई बादल परिवार की मालकी वाली इंडो कनेडियन बसा प्रवासी भारतीयों की जेब ढिली करवा रही हैं तो लोगों को टिकाने ते भी नहीं पहुँचाउंदियां। प्रवासी भारतीय मांग कर रहे सन कि पंजाब सरकार अपनियां दिल्ली आने वाली सारियां बसों को पहला वांग ही एयरपोर्ट पर भेजे। इस ते सरकार ने कार्रवाई की है तो पंजाब के 4 जिले कपूरथला जलंधर लुधियाना पटियाला तो बसा हर रोज़ 3-3 टाइम वॉल्वो AC वाली बसा जानिया शुरू हो गई हैं। हुण इस नाल इंडो कैनेडियन का एक अधिकार तो खत्म होगा ही। सरकार को चाहिए है कि जिथे जिथे सरकारी डिपुआ दी बसा के रूट बंद किए गए हैं उन्होंने भी चालू किया जाए ताकि सारे पंजाब विच निजी कंपनियों का एक अधिकार खत्म हो सके। जंडियाला गुरु तो बलजीत सिंह ने मुद्दा उठाया है कि सरकार ने वोटा लैण तो पहला वड्डे वड्डे वादे किए सी अते उस सारे ही वादे हवा ला के उड पुट गए। किसानों का कर्जा कहा जा रहा है कि माफ़ कर दिता गया है पर अजे तक कुछ किया दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह बेरोजगारों नाल नौकरी का वादा किया गया सी वह भी किथे गया। असीं नौकरियां उड़ीक रहे हाँ उन्होंने कहा कि वह BA पास है तो बेरोजगार है इसलिए कैप्टन सरकार वालों दी जाने वाली नौकरी के इंतजार में बैठा है कि कदों नौकरी लई बुलावा आएगा। पातला तो जतेंद्र भारद्वाज ने कहा कि पंजाब विच ठेके ते मुलाजमां नूं लगातार सड़कां ते संघर्ष करना पै रहा तो उन्हां दी कितें कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सरकारां दा यह हाल है कि डाक्टरां नूं 17,000 रुपए तनखा ते भत्ता दिंदियां हन जदों कि डाक्टर दे नाल ही काम करने वाला दर्जा 4 जां सफाई कर्मचारी उस ही जगह डाक्टर पास ही काम करके 35,000 रुपए तनखा लै रहा है। यह नीतियां सरकार नूं बदल देनियां चाहीदियां हन। संतोख सिंह वासी जलंधर ने कहा कि पंजाब सरकार का अंगहीन मुलाजम है तो उसनों कन्वेयंस अलाउंस 1,000 रुपए प्रति महीना मिलता सी जो कि नेत्रहीनों भी बराबरी मिलता सी पर हुण सरकार ने नेत्रहीनों का तो इन्ना ही रहने दिता तो शरीरक तौर पर अपाहजा का घटा के 600 रुपए कर दिता। उन्होंने दस्या कि उन्होंने भी नेत्रहीनों वाग ही नौकरी ते जाण लई अपने नाल एक सहायक व्यक्ति सांभ संभाल लई लैके जाना पैंदा है इसलिए पत्ता पहलां दी तरह बराबर किया जाए। लुधियाणा के इकबाल सिंह ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार नौजवानों नूं मोबाइल फोन देण अते बुढ़ापा पेंशन वधाउण लई ऐलान ही कर रही है। ये कदों मिलणगे ना कोई तरीक दसी जा रही है तो ना ही कोई समा सीमा निर्धारित किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार वादे अनुसार यह समा ते मिति निर्धारित करके दसे कि यह चीज़ां कदों मिलणगियां ताकि लोगों का जो इंतजार है वह खत्म हो सके। पंजाब डेयरी हर रोज़ तुहाडे लई लैके हाजिर है इस तरह के सुझाव ते मुद्दे। अगर तुहाडे कोल भी कोई सुझाव या मुद्दा है तो स्क्रीन ते आ रहे इस नंबर ते सानू दसो असीं तुहाडा ये सुझाव
प्रसारित करांगे ताकि उस ते कोई कार्रवाई हो सके ते लोग जागरूक हो सकन। ਨਿੰਦਰ ਕੁਗਿਆਨਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ C-17 ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। अटारी तो खबर। भारत पाकिस्तान सरहद ते तैनात सीमा सुरक्षा बल की 17वीं बटालियन के जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों दी कोशिशां नाकाम कर दित्तियां। रियट ककन सैक्ट नेरियों हैरों के दो समेत 20 ग्राम अफीम बरामद की है और पंजाब सरहद तो बरामद हुई 2.95 किलोग्राम हैरन की कौमांतरी बाजार च कीमत 10 करोड़ रुपया बनती है। चंडीगढ़ तो खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कर्जा माफ़ी बारे फैसला अमल में लिया नोटिफिकेशन छेती जारी करने का भरोसा देंदिया स्पष्ट कर दिता है। जिन्हां किसानां दा कर्जा माफ़ हो चुका है उन्हां दा कर्जा माफ़ ही हो चुका है। उन्हां नूं कर्जे की अदायगी करन तो मुक्त किया जाता है पर कर्जा माफ़ी का फैसला लागू करने लगभग 3 महीनों का समा लगना है। हक कमेटी की रिपोर्ट 2 महीने आएगी जिस तों बाद विभाग वजारत नूं रिपोर्ट लागू करने लई प्रवानगी देगा जिस तों बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। कर्जा माफ़ी स्कीम का लाभ 5 एकड़ तक की मालकी वाले 10.2 लाख किसानों नूं मिलना है। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹੀ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ 'ਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 886 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ 1108 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। चंडीगढ़ तो खबर। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो वालों भ्रिष्टाचार के दोषों हेठ गिरफ्तार किए सुरेंद्रपाल सिंह पलवान दी मुश्किलां वधदियां जा रही क्योंकि विजिलेंस ने उस खिलाफ़ एक होर केस दर्ज करने की तैयारी खिंच ली है। विजिलेंस सूत्रों मुताबक सुरेंद्र पहलवान वालों जन्ममिति कराई सोध का मामला शक्की कारण जांच आरंभी गई है। खबर नवी दिल्ली तो आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पालतू कुत्ते नूं गोली मारन ते उसके मालक नूं गोलियां मार के जख्मी करन दे दोष हेठ गिरफ्तार किए मुलजम की गाऊं जमानत की अर्जी रद्द कर दिती ते उन्हूं आत्मसमर्पण करन वास्ते कहा ते नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिता जो सारे मुल्क च लागू होएगा कि पालतू कुत्ते ते गोली मारन वाला हुण सज़ा तों बच नहीं सकेगा। राष्ट्रपति दे अहुदे लई कौमी जमहूरी गठजोड़ दे उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अते विरोधी पार्टियां दी उम्मीदवार मीरा कुमार नूं छड के मुल्क दे सर्वोच्च अहुदे लई चोण मैदान विच नितरे बाकी सारे उम्मीदवारां दीआं नामजदगियां अज जांच पड़ताल दौरान रद्द हो गईआं। कोविंद ते कुमार समेत कुल 95 उम्मीदवार इस वकारी चोण लई मैदान विच सन। लोक सभा सकत्रेत दे सूत्रां मुताबक वड्डी गिनती उम्मीदवारां दीआं नामजदगियां रद्द होण दी मुख वजह उन्हां कोल चोण मंडल दे मैंबरां दी लोड़ींदी हमायत ना होना सी। नामजदगियां अज जांच पड़ताल दा अमल शुरू कीते जाण मगरों रद्द कीतियां गईआं। नियमां मुताबक राष्ट्रपति दे अहुदे लई चोण लड़न दे चाहवान उम्मीदवार लई अपनी नामजदगी चोण मंडल दे घट्टो घट 50 मैंबरां तों पहलां तजवीज़ ते मगरों इन्ने ही मैंबरां तों इहदी तायद करवाउणी लाजमी हुंदी है। याद रहे कि राष्ट्रपति दी चोण वोटिंग 17 जुलाई नूं होवेगी जदकि नतीजियां दा ऐलान 20 जुलाई नूं कीता जाएगा। भारत देश विच इक टैक्स इक बाजार दा सुपना बीती रात 12 बजदियां ही पूरा हो चुका है। 70 सालों तों चली आ रही टैक्स प्रणाली तों मुक्त होकर GST लॉन्च कर दिता गया। संसद के सेंट्रल हाल इस क्रांतिकारी बदलाव का गवाह बने ने। शुक्रवार अधी रात तक प्रोग्राम विच पूरी सरकार रुझी रही। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण तो बाद घंटी बजा के GST युग का ऐलान किया। भारत में GST लागू होने के नाल सरकार वालों आम नागरिक नूं झटका मिलिया। ये झटका PPF किसान विकास पत्र सुकन्या समृद्धि योजना सने छोटिया बचत के ब्याज में 0.10% की कटौती ते सोधियां ब्याज दरां भी 1 जुलाई तो लागू हो गई हैं। खजाना मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स चोरी करने वालों नूं काफ़ी सख्त सुनेहा देंदे आख्या कि जिहड़े पहले टैक्स नहीं देंदे सन उन्हां नूं लगदा है कि हुण भी अजिहा कर सकनगे। उन्हां आख्या कि उह गलत फहमी विच है। टैक्स ना देना किसी भी संविधान दे विच उलंघना मन्नी जाएगी इसलिए ऐसी व्यवस्था की है कि ऐसे व्यक्ति जां उन्हां संस्थावां दी पहचान की जाए तो उन्हां दे शिकंजा कसना भी आसान हो जाएगा। ये कहना तत्थां तो परे है कि छोटे व्यापारी अते कारोबारी इस तकनीकी उलझन दे करके इसका विरोध कर रहे हैं।
उन्हें आख्या कि हकीकत यह है कि अद्धे तो ज़्यादा ऐसे लोग है जो GST का भुगतान ही नहीं करेंगे क्योंकि जिन्हां दी टर्नओवर 20 लाख तो घट है ये उन्होंने छूट है। सरकार छोटे व्यापारी अते कारोबारियों प्रति बेहद संवेदनशील दसदियां उन्हें आख्या कि सूबे में 75 लाख के टर्नओवर वाले एकमुश्त टैक्स भुगतान की सुविधा दी गई है। इस वर्ग में शामिल लोगों रिटर्न भरन से भी सहूलत दी जाएगी। पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने GST नूं पंजाब के हितों में दसदे आख्या कि इस नाल देश की तकदीर बदल जाएगी। खजाना मंत्री ने आख्या कि टैक्स मामले में संबंधित सूबा सरकार ने सारे विभागों के अधिकारियों के सोमवार को पंजाब के वख-वख इलाकों का दौरा करेंगे ते व्यापारियों ते दुकानदारों नाल मीटिंग करके GST के बारे में उन्हां दीआं समस्यावां दे हल करेंगे। व्यापारियों नूं GST तो होने वाले लाभ के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। खजाना मंत्री मनप्रीत ने तर्क दिता है कि सूबे के करीब 84% व्यापारियों ने पुराने टैक्स सिस्टम की जगह नवे टैक्स सिस्टम को अपना लिया है। इस मामले में पंजाब पहला 5 सूबों में शामिल हो चुका। उन्होंने आख्या कि लोगों में नवा टैक्स लागू होने दे रोजाना जरूरतों दी चीज़ा महंगा हो जाने का खदशा, लेकिन इस बार यह चिंता बेबुनियाद साबित होती है। कांग्रेस और कुछ होर राजनीतिक पार्टियों वालों GST के संबंध में होने वाले समागम का विरोध करन दे बारे विच पुछे गए सवाल ते मनप्रीत बादल ने आख्या कि कांग्रेस नूं सेंट्रल हाल विच होण वाले समागम ते इतराज है। पंजाब सरकार दी गल करिए तां उन्हां आख्या कि GST बेहद राहत दी गल है ते सूबा सरकार नूं 5 साल तक 14% टैक्स दी वसूली हुंदी रहेगी। उन्हां आख्या कि इस नाल पंजाब दे खजाने नूं काफ़ी राहत मिलेगी। कुछ थावां ते GST नूं लैके काफ़ी रौला रप्पा पैंदा रहा। पठानकोट विखे कदे हड़ताल हुंदी रही ते कदे कुछ लोग इस दे हक विच नारी मारदे दिखाई दिते। संगरूर विच GST दे विरोध विच दुकानां बंद रहीयां। बठिंडा विखे ये बंद बेअसर रहा। नवांशहर विखे सिर्फ कपड़े दीयां दुकानां बंद रहीयां। गुरदासपुर विखे GST दा पुतला साड़िया गया। सूबे विच कई जगह ते रोस मार्च कढे केंद्र सरकार खिलाफ़ नारेबाजी की गई। सवेरे बंद बाजार रहे, दुपहर नूं बाजार खोल दिते गए। GST लागू होने तो बाद सारे सूबों में एक्साइज टैक्सेशन विभाग के बैरियर खत्म हो जाने सन, लेकिन पंजाब विच ये चैकपोस्ट यानी नाके हाले जारी रहेंगे। कारोबारियों नूं चैकिंग तो राहत भावें मिलेगी। GST विच सोध की है कि किते भी बैरियर से माल की चैकिंग नहीं होएगी, लेकिन पंजाब विच फिलहाल बैरियर कुछ समय तक जारी रहेंगे। ट्रांजैक्शन पीरियड विच बैरियर ही पुराने माल से एंट्री टैक्स वसूल करेंगे। इस तों इलावा सूचना कलैक्शन सेंटर के रूप में काम करते रहेंगे। जिमें जिमें GST दी अड़चना खत्म हो जाएगियाँ बैरीयर बंद होंदे नज़र आएंगे। GST लागू होने तो बाद बैरीयर का सारा बोझ एक्साइज विभाग के इनफोर्समेंट विंग से आएगा। इसलिए विभाग ने इस मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। हुण तक केंद्र सरकार इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम नाल बिल सिस्टम शुरू कर सकी है। GST सिस्टम में जेकर किसी भी कारोबारी का 50,000 तो इस तों वधदा माल चलता है तो उस पॉइंट से व्यापारी नूं GST पोर्टल ते ईवे बिल भरना होएगा, लेकिन हाले ईवे बिल सिस्टम शुरू नहीं हो सकिया। अजे विच एक्साइज विभाग पुराने वैट सिस्टम के तहत लागू ई बिल सिस्टम नूं चलाएगा। सब तो वड्डे तेल उत्पादक देश सऊदी अरब विच 1 जुलाई यानी अज तो उत्थे रहण वाले सारे देशों के नागरिकां ते परिवारक टैक्स ला दिता है। सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय बाजार विच कच्चे तेल दीआं कीमतां विच भारी गिरावट तो बाद आर्थिक संकट नाल जूझ रहा है। 2,70,00,000 की कुल आबादी वाले देश में 41,00,000 भारतीय कामे ने। सऊदी अरब में काम करने वाले ज़्यादातर उत्तर भारतीय उत्थे अपने परिवारों तो बिना रह रहे हैं, लेकिन देश के होरना हिस्सों में सऊदी अरब में काम करते ये लोग अपने परिवार के नाल रहिंदे। 1 जुलाई नूं हर भारतीय नूं प्रति महीने 1,750 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। पाकिस्तानी रेंजरां ने लगातार तीजे दिन भारतीय फौजी चौकियों ते रिहायशी इलाकों नूं निशाना बनाया। ये फायरिंग उड़ी कस्बे ते रजौरी जिले के सरहदी इलाकों में की गई, जिस विच 2 औरतां जख्मी हो गई। मीडिया रिपोर्टों में यह भी आख्या गया कि पाकिस्तानी सरहद से लगे अपने पिंडों नूं खाली कराना भी शुरू कर दिता है ते नाल ही सरहद ते फौजियों की गिणती वधा दिती है। इस दे संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान वाले पासों भारी गोलाबारी हो सकती है। पाकिस्तान वालों गोलियां तद भराई गई जदों इस्लामाबाद में पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत से चर्चा करने एक हाई पदरी मीटिंग बुलाई सी। कहा जा रहा है कि कश्मीर के अतवाद के मुद्दे से अमरीका के भारत के नाल आने दी चिंतावान के मद्देनज़र ये मीटिंग हुई। मीटिंग में अधिकारियों ने शरीफ को दसिया कि भारत के नाल किहड़े मुद्दों से टकराव चल रहा। दरअसल ट्रंप के भारत के समर्थन में बयान देने से पाकिस्तान मीडिया में शरीफ सरकार की विदेश नीति से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की अगवाई वाले भारत नाल निपटन में पाकिस्तान सरकार नाकाम साबित हो रही है।
पाकिस्तान वाले पास्यों पहली बार सवेरे 4:15 से गोलियां ते मार्टर दागने शुरू हुए। ये अन्नेवा गोलीबारी बिना किसी उकसावे के शुरू की। इस फायरिंग में रजौरी के एक औरत के गोलियां के छरले लगे ने। एक मार्टर पानी के टैंकर लग गया जिस नाल वो टैंकर फट गया। पाकिस्तान रेंजरां ने दूजी फायरिंग उड़ी में सवेरे 9:30 की। इस करके गुआटा इलाके की एक औरत के सट्टा वजिया। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की गोलाबारी का जवाब दिता है। कपूरथला विखे टोए विच डुबण नाल इको परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। ये परिवार झोना लाने लई कपूरथला के पिंडां विच अपनी रोजी रोटी ले आया सी। फिरोजपुर जिले के गुरु रसा विखे लेंटर डिगण नाल 2 बच्चों की मौत हो गई। मां ते धी गंभीर जख्मी है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और तख्त श्री दमदमा साहब वलों अज श्रोमणी कमेटी वालों धर्म प्रचार लहर की शुरुआत तलवंडी साबो दमदमा साहब विखे करवाई जा रही है। इस मौके सिख कौम के धर्म प्रचारक इस समागम में हिस्सा लेंगे। मालवे के करीब 8 श्रोमणी कमेटी मैंबरों इस ते ड्यूटी लाई गई सी। मनिया जा रहा कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल और श्रोमणी कमेटी के प्रधान कृपाल सिंह बडूंगर तो इलावा केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी इन्होंने समागमों में शामिल हो सकते हैं। श्रोमणी कमेटी वालों भावें नरोल धार्मिक प्रचार लहर है जिसकी शुरुआत अज दमदमा साहब तो की जा रही है। उन्होंने आख्या कि इसका सियासत नाल कोई संबंध नहीं पर हल्के दे नुमाइंदगी करन दे वजों सुखबीर बादल ते हरसिमरत कौर बादल इस विच हाजरी लवा सकते ने। श्रोमणी कमेटी के जनरल सकत्तर अमरजीत सिंह चावला का कहना है कि सिखी तो दूर जा रही नौजवान पीढ़ी नूं सिख विरसे तो जाणू कराउण लई तख्त श्री दमदमा साहब तो गुरमत प्रचार लहर आरंभ की जा रही है। कैप्टन सरकार वालों ट्रक यूनियन भंग करने खिलाफ 134 ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने 6 जुलाई को पटियाला विच वड्डी रैली करन दा ऐलान किया है जिस विच 93,000 ट्रकों का चक्का जाम होएगा। ऑल पंजाब ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के आगुआ का कहना है कि सरकार के इस तुगलकी फरमान नू उन्हां दा एका वापस करा के साह लवेगा। उन्होंने आख्या कि कर्जा लेके ट्रक पाने वाले ऑपरेटर लई घातक कदम चुकन वलगे हालात पैदा कर दिते गए ने। मीटिंग में कांग्रेस के अकाली दल पक्षी यूनियन आगुआ ने भी पार्टी पद्धर तो उपर उठ के शामिल होने का ऐलान किया है। बुलारे ने आख्या कि कैरों के बेअंत सिंह समेत बादल सरकार ने भी यूनियन भंग करने की कोशिश की पर कैप्टन सरकार के इस फरमान करके ट्रक ऑपरेटर सड़कों पर उतरना पिया। ट्रक ऑपरेटर का कहना है कि इस कारोबार नाल वख-वख वर्गों के लोग जुड़े हैं तो यह फैसला कई वर्गों लई मारू साबित होएगा। उधर पंजाब दे विच उद्योगपतियों का कहना है कि ट्रक यूनियन से जदों भी कांग्रेसी आगुआ ने कब्जा किया तो उन्होंने अपनी मनमर्जी के रेटा की लिस्ट उन्होंने भेज दिती जिस करके उद्योग पहला ही घाटे में है तो इस करके वो डीजल के रेट अनुसार ही किराया भाड़ा दे सकते हैं जबरदस्ती नहीं। जम्मू कश्मीर में डिगण डिगण करके माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शनों लई जांदी हरियाणा के रेवाड़ी जिले की 32 साल औरत का मौत हो जाने की खबर है। 8 होर जख्मी हो गए ने। यह घटना देवी द्वार नेड़े पैदल रस्ते उत्ते वापरिया है। पंजाब डायरी विच अज दे प्रोग्राम लई बस इन्ना ही। मिलते हैं कल। सत श्री अकाल।